अभी हम मौजूद हैं एम जी के जो डिस्प्ले है उस पर। एम जी के डिस्प्ले में जो सबसे प्यारी गाड़ी इस टाइम लग रही है वो है ये येलो कलर के अंदर एम जी जी टी या एम जी फाइव भी जिसको कहा जाता है। इस गाड़ी के आप फ्रंट पे देखें तो आपको ये जो ट्विस्टेड ग्रिल्स लग रही हैं जो कि हाफ कवर्ड हैं और इंतहा खूबसूरत लग रही हैं। आपको नीचे कार्बन फाइबर की फॉर्म में एक लिप सा मिलता है इस गाड़ी के लिए। फॉग लैंप्स के अंदर नहीं है, हेडलाइट्स इसकी LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं और इसके अंदर तक क्रोम का यूज़ किया गया और बहुत प्यारी लगती है। इसका जो स्पेसिफिकली कलर है और ये जो एम जी की मैचिंग है इसकी वजह से जो ओवरऑल इफेक्ट बन रहा है, ओवरऑल जो गाड़ी का ऑरा है ना वो बहुत ऑसम है। इवन के वहाँ पे एम जी है जिस PHEVs, ZS EVs, सिंपल HS ZS सारी खड़ी है लेकिन ये सबसे अलग लग रही है। साइड पे जाते हैं, साइड पे जाते हैं, साइड में कैसी है गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो जो पहली चीज़ जो बहुत डिस्टिंक्टिव फैक्टर है इस गाड़ी का वो है इसके 16 इंच के अलॉय व्हील्स। ये हाइपर फिनिश के अंदर है, क्रोम के हैं और इंतहा खूबसूरत लगते हैं। इवन के इसके अंदर आप जो डिटेल्स देखें, इसके जो डिस्क है, जो इसकी डिस्क ब्रेक है वो उसका साइज़ भी बहुत बड़ा है। साइड पर आपको करेक्टर लाइन्स मिलती हैं जो हेडलाइट से स्टार्ट होती हैं, रेयर तक जाती हैं। एक और चीज़ आप इसकी गाड़ी की साइड प्रोफाइल के अंदर देखें तो इसके साइड मिरर्स हैं, इसके अंदर टर्न सिग्नल इंटीग्रेटेड है। उन टर्न सिग्नल्स के अंदर जो कटआउट्स हैं ग्लास की शेप है और सारे इंडिकेटर्स की जो ओवरऑल लेआउट है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। साइड मिरर जो साइड मिरर के साथ ही बिल्कुल इसके क्रोम की एक लाइन स्टार्ट होती है जो थ्रू आउट द बॉडी जाती है। ऊपर बिल्कुल सनरूफ है, नीचे जो करेक्टर लाइंस हैं वो थ्रू आउट द बॉडी फॉलो करती है। इसके कोई किसी भी किस्म का लॉक के लिए, की वगैरह के लिए कोई स्पेस नहीं है, सिर्फ एक स्मार्ट एंट्री के लिए बटन मौजूद है जिससे आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं ईजिली। साइड मिरर बिल्कुल सिंपल है, आपको रियर पर मिल जाता है एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर इसका जो फ्यूल लिड। और अब चलते हैं बैक की तरफ, देखते हैं बैक से गाड़ी कैसी है। साइड पे आपको जो सबसे प्यारी चीज़ इस गाड़ी की लगती है वो है इसके बिल्कुल ई क्लास की तरह W213 जो आती है Mercedes की, उसके अंदर एग्जैक्टली इसी तरह की लाइट्स होती हैं। ये लीफलेट डिज़ाइन के अंदर जो लाइट्स हैं LED लाइट्स और इंतहाई खूबसूरत लगती है, स्पेशली रात को। साइड पे बिल्कुल क्लीन है, इतना ज़्यादा क्रोम का यूज़ नहीं किया गया। कुछ बैजिंग्स हैं यहाँ पे चाइनीज़ के अंदर क्योंकि ये गाड़ी आपका इंपोर्टेड यूनिट है, यहाँ पे लोकली मैनुफैक्चर नहीं हो रहा है एट द टाइम। बैक बिल्कुल क्लीन है, पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, डिफ्यूज़र बम्पर है और इसी के अंदर जो एग्जॉस्ट के कटआउट्स है ये रियल एग्जॉस्ट कट है, फेक नहीं है, दोनों एक्चुअली फंक्शनल हैं। टॉप पे आपको एक चीज़ मिलती है कि इसकी जो रूफ़ है वो बहुत बैक तक आती है। आपने सिविक एक्स की तो देखा होगा काफ़ी नीचे करके आती है, उसकी विंडस्क्रीन बहुत स्मॉल है, इसकी उससे भी स्मॉल है और इसकी वजह से जो इसका ओवरऑल सीटिंग पोजीशन और जो लगेज स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। गाड़ी में जो इंटीरियर की एंट्री और एग्जिट है वो बड़े मज़े की है, थोड़ा सा आपको फील होता है क्योंकि गाड़ी की जो सीटिंग पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा लोअर्ड है, उसकी वजह से आपको फील होता है कि आप बैठने में इतनी इजी नहीं बैठते, स्पेशली जो डी शेप स्टीयरिंग व्हील है बैठते हुए अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपके बीच में आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बड़े मज़े की है। इसके अंदर ये वेंट्स की तरह की इन्होंने जो क्रॉस द डैशबोर्ड ये ब्लैक पियानो ब्लैक कलर के अंदर जो डिज़ाइन एलिमेंट दिया है बहुत प्यारा है। ये डिज़ाइन एलिमेंट इसके एसी वेंट्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, डीफ्रॉस्ट वगैरह हर जगह पे इंप्लीमेंट हो रहा है। यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके जो ट्विटर्स वगैरह हैं, स्टीयरिंग बड़ा मज़े का है, फील ओवरऑल जो गाड़ी की है ना वो एक्सेप्शनल है। इसकी जो सीट्स हैं बकेट सीट्स हैं, पूरा होल्ड करके रखा हुआ है, हेडरूम लेगरूम सारा कुछ एक्सेप्शनल है, एक बहुत ही वेलकमिंग फील है। अगर आप सिविक से तो इसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है, लेकिन सिविक जो पुराने वाली थ्री बर्थ वाली उसी तरह का डिज़ाइन है कि जो डिस्प्ले ड्राइवर ओरिएंटेड है थोड़ी सी इस तरफ को है और डैशबोर्ड बेसिकली टू टीयर्स के अंदर डिवाइड हुआ है। बिल्कुल वैसे ही इस गाड़ी का डिजिटल मीटर है, नज़र आ रहा है कि इस गाड़ी का जो है वो डिस्प्ले है वो डिजिटल है। ओवरऑल जो गाड़ी की फील है ना वो एक्सेप्शनल है। अब चलते हैं रेयर की तरफ और देखते हैं रेयर में कैसी है। रेयर के अंदर जो एंट्री और एग्जिट है वो फ्रंट से थोड़ी ज़्यादा आसान है। एक चीज़ आप इस गाड़ी के बारे में नोट करें कि जो इसके एंट्री के लिए जो पिलर्स हैं उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से जो एंटर होते हुए आपको थोड़ा सा फुट उठा के बैठना पड़ता है। इट्स अफ गाड़ी का बेड भी और सीट भी काफ़ी ज़्यादा लोअर्ड है। गाड़ी के अंदर आती है आपकी लेदराइड मटेरियल है, प्योर लेदर नहीं है लेकिन लेदराइड है और ये स्ट्रेस्ड है थ्रू आउट द बॉडी। इसके डोर पैनल्स के अंदर भी ये जो कार्बन फाइबर के एलिमेंट का यूज़ किया गया गाड़ी को स्पोर्टी एलिमेंट देने के लिए, जहाँ पे आपकी आम नेचुरली रेस्ट करती है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छी कुशनिंग और पैडिंग हुई हुई है। आपको मिलते हैं रेयर पे एक सिंगल AC वेंट है लेकिन ये दो AC वेंट्स के साइज़ का है और इसके साथ आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। ओवरऑल जो गाड़ी वेलकमिंग है ना वो बहुत अच्छी है। अगर तो ये गाड़ी वाकई 3 से 4 मिलियन की ब्रैकेट में आती है जिस तरह मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें बताया जाता है, उस हिसाब से तो ये गाड़ी मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी और गाड़ी की मार्केट इस्टेब्लिश हो सकेगी अगर एक गाड़ी इसी प्राइस रेंज के अंदर आ जाए। इस भी तो और क्या चाहिए।